हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 112 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, हम लोग का सवाल क्या है आज का कि 3 पर्सन ABC कम्प्लीट्स अ वर्क इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, 3 आदमी ABC नीचे दिए गए कार्यक्रमों के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ ए वर्क फॉर ऑल डेज, ए सभी दिन काम करता है। बी ओनली वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, बी ओनली सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डे काम करता है। एंड सी ओनली वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे, यानी कि तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला है, ए वर्क फॉर ऑल डे मतलब लास्ट हमारा फिफ्थ डे तक काम हुआ है, यानी ए ने जो काम किया वो काम किया टोटल 5 दिनों तक। ठीक है, बी ने जो काम किया, इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ से ए का दिन निकाल सकें, वो दिन क्या है, 5 दिन। ठीक है, फिर बोल रहा है बी ओनली वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, यानी बी ने टोटल कितने दिनों तक काम की, 2 दिनों तक। सी ने जो काम किया था वो काम किया था टोटल 3 दिन, यानी थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। ठीक है, बी एंड सी विदाउट द हेल्प ऑफ ए कैन कम्प्लीट द होल वर्क इन 6 डेज, यानी बी और सी को जो समय लग रहा है वो समय क्या लग रहे हैं हमारे, 6 डेज लग रहे हैं। ठीक है, जब 6 डेज लग गए समय, तो हमें क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाई बी एंड सी इन 2 डेज। ठीक है, बी और सी जो 2 दिन में काम करता है वो किसके बराबर है, वर्क डन बाई ए इन 3 डेज, ए के 3 दिन के काम के बराबर है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं बी प्लस सी बटा में ए बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। ये क्या निकल गया, ए बी सी का रिस्पेक्टिव इफिशियंसी, यानी ए का तो अलोन निकल गया, बी और सी का कॉम्बाइंड रूप से निकला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल में हम लोग एक कॉमन सा चीज हमेशा टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू क्या, टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बी प्लस सी का टाइम हमें मालूम है 6 यूनिट बेसिस पे, अगर बी सी को हम लोग 3 बोल देते हैं तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकल जाएगा 3 × 6, डेट इज 18। ठीक है, 3 × 6 = 18 निकल गया। हमसे क्या पूछा है सवाल में, इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी डन बाई ए बी एंड सी सेपरेटली, ए बी सी मिलके अकेले इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ से देखो ए का समय निकालना तो मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 2 दिए हुए है, ए का समय क्या हो जाएगा 18/2, यानी कि कितना, 9 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे मेन रूप से हमें निकालना क्या है, बी का समय और सी का समय। ठीक है, अब देखो बी और सी के लिए हमको उसकी रिस्पेक्टिव इफिशियंसी जाननी होगी, कॉम्बाइंड इफिशियंसी मुझे मालूम है। अब यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मिला था कि ए 5 दिन, बी 2 दिन और सी 3 दिन काम करता है, तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 5 × 2। बी 2 दिन में कितना काम कर रहा है, यानी कि बी के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करके हमें यहाँ पे लिखना है, बी 2 दिन में काम कर रहा है लेकिन बी का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया 2B, बी की एफिशिएंसी बी। एंड सी 3 दिन तक काम कर रहा है, यानी सी की एफिशिएंसी क्या लिख दी मैंने यहाँ पे, सी के लिए लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने 3, यानी कि 3C। और ये तीनों 5 दिन, 2 दिन और 3 दिन में टोटल कितना काम कंप्लीट करेंगे, 18 काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 18 में चला जाएगा, यानी 8 बचेगा। अब देखो यहाँ पे हम बी और सी का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, 2B प्लस में 2C और प्लस में C। ठीक है, और इधर 18 − 10 कर देते हैं, 2B 2C है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, B और C की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और प्लस में C की एफिशिएंसी C ही रहने देते हैं, और बराबर में क्या कर दिया मैंने, 8। यानी C की एफिशिएंसी 3 × 6, यहाँ पे 8 में 6 चला जाएगा, यानी कि ये हमें क्या देगा, 2 देगा। C की एफिशिएंसी जब 2 निकल गई तो बी प्लस सी जोड़ के हमारा 3 है, बी की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी, 1। ये भी बी की एफिशिएंसी निकल गई यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, बी का समय निकालने के लिए, तो बी का समय क्या हो जाएगा हमारा, 18 उसका टोटल काम था और यहाँ पे उसकी इफिशियंसी 1, यानी कि उसे कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन। सी की क्या हो जाएगी, 18, और यहाँ से उसकी इफिशियंसी कितनी, 2, और इस तरीके से यहाँ पे उसे कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो आंसर है, ए को लग रहा है 9 दिन, बी को लगेगा 18 दिन, और सी को लगेगा हमारा कितना, 9 दिन, और यही हमारा आंसर है, 9, 18 एंड 9। ठीक है, बस टाइम एंड वर्क में हमें सिर्फ एक ही चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, और इफिशियंसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हमें सॉल्व कर देना होता है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।